चलिए आज बात करते हैं सुमो ऑफ इंडियन कबड्डी सुरेंदर नाडा और मोहित चिल्लर की। भारतीय कबड्डी के दो मजबूत स्तंभ, जब दोनों एक साथ मैट पे होते हैं तो बस क्या कहना। प्रो कबड्डी सीजन 5 तक दोनों ने एक साथ खेला, पर अब दोनों दो अलग अलग टीम की कमान संभालने वाले हैं। सुरेंदर वापस हरियाणा के लिए ही खेलेंगे, पर मोहित को आप देखेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए खेलते हुए। और प्रो कबड्डी में कॉर्नर डिफेंडर्स की बात करें तो इनके रिकॉर्ड्स बेहतरीन हैं। सुरेंदर नाडा के 218 टैकल पॉइंट्स हैं 70 मैचेस में, 3.11 टैकल पॉइंट्स पर मैच का एवरेज है। वहीं मोहित चिल्लर के हैं 209 टैकल पॉइंट्स 77 मैचों में, यानी कि 2.71 टैकल पॉइंट्स पर मैच। आइए सुनते हैं सुरेंदर और मोहित का सीजन 5 का एक्सपीरियंस और उनका संदेश देश के यंग प्लेयर्स के लिए। हम प्रो कबड्डी के दो स्टार सुरेंद्र नाडा सर और मोहित चिल्लर सर के साथ हैं। तो सर बताइए कैसा रहा सीजन 5 का एक्सपीरियंस आप दोनों के लिए? हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से आप लोगों ने इस बार खेला, नई टीम थी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी टीम भी बहुत अच्छी थी और फर्स्ट बार पार्टिसिपेट किया था हरियाणा ने। हाँ। तो हम प्लेऑफ में पहुंचे तो हमारे लिए अच्छा भी था और आउट बुरा भी था, लेकिन कुछ अच्छा ही था। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको अच्छा रहा? नई टीम थी, जहाँ तक सोचने की बात है कि नई टीम थी और हमने नहीं सोचा था कि हम भी मतलब प्लेऑफ तक जाएंगे, लेकिन टोटली सबने अच्छा किया और उससे हमारे कोचेज प्लेयर सब खुश थे और टोटली एक्सपीरियंस अच्छा था। हर सीजन हमें 3 सीजन छोड़ के 2 सीजन से नई टीम मिलती जा रही है, तो टोटली एक्सपीरियंस मतलब होता जा रहा है नए नए के साथ। तो और अब सीजन काफ़ी लंबा हो गया है, 3 महीने का सीजन हो गया है, इंजरीज भी बहुत होती हैं, पहले सीजन छोटा हुआ करता था, तो लंबे सीजन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो लंबे सीजन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कि अब प्रो कबड्डी जो कबड्डी गेम था वो पहले वाला गेम नहीं रहा, प्रोफेशनल गेम हो गया, तो इसमें पहले 8 टीमें थी और अब 12 होगी, तो इसलिए सीजन लंबा हो गया ज़्यादा टीम होने के कारण। उसमें इंजरी तो होनी है क्योंकि जब हम कंटिन्यू मैच पे 3-4 महीने कंटिन्यू मैच पे रहेंगे तो इंजरी तो होती है खिलाड़ी को, और मैच पे तो ऐसा कि नी में बहुत ज़्यादा और एंकल में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, जैसे हमारी टीम में था विकास, उसको कंटिन्यू 2 बार इंजरी होगी। तो कोई भी खिलाड़ी हो लंबा सीजन होने के कारण इंजरी के ज़्यादा चांस होते हैं। यंगस्टर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी प्रो कबड्डी ने बहुत अपॉर्चुनिटी दिया है यंगस्टर्स को, नए प्लेयर्स को, और इनफैक्ट अब ये सामने नज़र आ रहा है कि अगले 5 साल में कबड्डी बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, अभी जो गेम है आगे 5 साल में डिफरेंट होगा, तो आप यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे जैसा हमारे बड़ों ने किया, जैसा रूप है उन्होंने हमें खिलाया, हमारे पास अभी जो यंग प्लेयर है वो खेल रहे हैं, तो उनके नीचे जो और यंग आएंगे वो खेलेंगे तो अच्छा ही करके दिखाए, जैसा हम करते आ रहे हैं, हमारे बड़े ने बड़े करते आ रहे थे, तो वो भी उसी लय पे चले और कबड्डी का नाम ऐसे ही इम्प्रूव उठाते थे। सर सही बात है, जैसे हमने बड़ों से सीखा है तो कुछ हमने सीखा है या हमें जो हमारे जूनियर है वो हमारे सीख रही है, तो ऐसे ही चलता रहेगा, अभी हमसे सीखते रहेंगे, हम उनसे सीखते रहेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है कबड्डी इसलिए उन्हें पहुँच गया, कभी हमने सोचा नहीं था, और यंग जो खिलाड़ी आएंगे उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है क्योंकि वो जब तक इस फील्ड इस लेवल पर पहुंचेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत हाई लेवल पर चलाया जाएगा कबड्डी, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने गेम खेला वो देखा वो, और हमने देखा हमने खेला, उसमें अलग डिफरेंस है और डिफरेंस तो होगा ही आगे आगे, और नए कोई भी चेंज होगा तो नए रूल भी आएंगे, कबड्डी में और इंटरेस्ट भी होगा, तो अब बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है कि जो यंग खिलाड़ी आएंगे जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी खेल रहे हैं जिनको अभी प्रो कबड्डी में मौका नहीं मिला है, जब ये 2 साल में 1 साल में के बाद आएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी महसूस होगा कि फील होगा कि हाँ हमने कबड्डी जो गेम चूज किया बहुत अच्छा गेम। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, स्टेडियम्स को देखें इंडिया में स्पेशली कबड्डी के बारे में, तो हमारे पास उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है गेम के लिए,
तो आप एज अ प्लेयर क्या बोलना चाहोगे, गवर्नमेंट को नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए या मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए और गेम को आगे बढ़ाने के लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके? हाँ सर, देखो जैसे अभी एशियन गेम में तो है ही कबड्डी, आगे गवर्नमेंट को लेके जाना चाहिए इसको, और हमारी फेडरेशन और गहलोत साहब जी भी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और ये हो भी जाएगा आई थिंक, और धीरे धीरे ना किसी भी चीज़ को हम बनाने में टाइम लगता है तो धीरे धीरे हर चीज़ में बनेगी तो अपने आप बनती चली जाएगी। ओके, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कबड्डी अड्डा, और लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए।